हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक। वेलकम टू आवर चैनल ई कॉमर्स आइडियाज पे। और आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मीशो पे ऑर्डर को प्रोसेस करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने मीशो पे ऑर्डर प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताऊंगा और स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कैसे आपको ऑर्डर को प्रोसेस करना है। तो इससे पहले मैंने फ्लिपकार्ट कैसे ऑर्डर को प्रोसेस करना है और अमेजन पे कैसे ऑर्डर को प्रोसेस करना है उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है। तो वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए या तो फिर हमारे चैनल पे चेक कीजिए, वहाँ पर भी आपको उस वीडियो का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कैसे आपको मीशो पे ऑर्डर को प्रोसेस करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको मीशो पे ऑर्डर प्रोसेस करना है। एकदम इजी है और इजी में आपको मैं इजीली समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आसान हो जाए कि ऑर्डर को प्रोसेस करना है अगर पहली बार आप ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑर्डर्स टैब में जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे इस साइड में आपका डिटेल जो ऑर्डर्स है वो ओपन हो जाएगा। ऊपर में आपको ऑन होल्ड, पेंडिंग, रेडी टू शिप, शिप एंड कैंसिल, ये चारों टैब आपको यहाँ पे फाइव जो टैब है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऑन होल्ड पहले बता दे तो क्या होता है कि ऑन होल्ड का मतलब जो प्रोडक्ट मार्केट प्लेस की तरफ से पेंडिंग है कुछ अप्रूवल के लिए, या तो फिर मार्केट प्लेस को लग रहा है कि ऑर्डर आरटीओ हो सकता है या तो फिर आपके वहाँ से पिकअप के कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो वो ऑलरेडी ऑन होल्ड पे रहता है। जब वो जो इशू सॉल्व हो जाएगा तब वो पेंडिंग पे ऑटोमेटिकली चला आएगा। तो पेंडिंग पे आने के बाद आपको उस ऑर्डर को सिर्फ प्रोसेस करना है, मतलब रेडी टू शिप करना है। रेडी टू शिप में मतलब आपका प्रोडक्ट जो है पैकेजिंग हो चुका है और जब ये कुरियर जो आपके पास आएगा, जब पिकअप हो जाएगा तब शिफ्टेड पे ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रोडक्ट, और जब ये ऑर्डर जो कैंसिल होता है वो कैंसिल पे यहाँ पे शो करता है। तो चलिए सबसे पहले इस ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारा ऑर्डर्स एक साथ प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक्सेप्ट ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो मतलब क्लिक करके एक्सेप्ट जब करेंगे नीचे यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट सिलेक्टेड ऑर्डर्स अब ये शो कर रहा है, मतलब जितना ऑर्डर्स यहाँ पे रहेगा सब एक साथ आपका प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप एक एक करके करना चाहते हैं तो आप एक ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट सिलेक्टेड ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। तो पहले आपको ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है, तो मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो चलिए एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रहा है मूव टू रेडी टू शिप, मतलब ये ऑटोमेटिकली रेडी टू शिप टैब पे चला गया है, मतलब ऑर्डर आपके पास जो है वो पैकेजिंग हो चुका है। कुरियर के पास भी नोटिफिकेशन चला गया है कि आपके पास इतना ऑर्डर्स आए हैं, आपके तरफ से ऑर्डर को पिकअप करना है कुरियर बॉय को। तो चलिए तो यहाँ पे रेडी टू शिप पे देखते हैं, यहाँ पे अभी आया नहीं, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हो सकता है मतलब ये कभी कभी टेक्निकल इशू रहता है, तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा तो रेडी टू शिप पे ऑटोमेटिकली चला आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या आपको डाउनलोड करना है, लेबल को डाउनलोड करना है। यहाँ पे शो कर रहा था कि लेबल नॉट डाउनलोडेड, मतलब आपने लेबल प्रिंट नहीं किया है। लेबल को डाउनलोड करना है, मैनिफेस्ट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद लेबल को आपके प्रोडक्ट के ऊपर अटैच करना है और इनवॉइस को आपको अंदर दे सकते हैं या तो भी फोल्ड करके दे सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर जो है वो पिकअप हो जाएगा कुरियर की तरफ से। तो चलिए इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे डाउनलोड लेबल करता हूँ। तो ये लेबल मेरा डाउनलोड हो गया है, उसके बाद मेरे को डाउनलोड करना है इसका मैनिफेस्ट। तो चलिए डाउनलोड मैनिफेस्ट भी यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। बस और कुछ नहीं करना है, ये दो मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नोटिफिकेशन चला गया है कुरियर के पास, मेरे को पैक करके रखना है। जब ये ऑर्डर आपकी तरफ से पिकअप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट पे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा ये ऑर्डर। तो आपको पता चलेगा कि ऑर्डर जो है शिफ्ट है और डिलीवर्ड होने के बाद वहाँ पर आपको शो करेगा। तो चलिए लेबल को मैं दिखा देता हूँ। तो जब लेबल को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे लेबल के यहाँ पे ये जो फोल्ड करके दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है मिडिल से, तो आप इसको फोल्ड करके डायरेक्टली आप पैकेज के ऊपर चिपका सकते हैं या तो फिर इसको कट करके आप इनवॉइस को अंदर दे सकते हैं पैकेजिंग के अंदर, और जो कुरियर जो पैकिंग आईडी है इसको आपको एड्रेस है वो ऊपर आपको पैकेज के अंदर ऊपर आपको चिपकाना है। ये हो गया आपका लेबल। और मैनिफेस्ट जो है वो आपको डाउनलोड करना है, तो ये जब आप देंगे कुरियर बॉय को आपको साइन करके रखना है ताकि आपको ये समझ आए कि ये आपको इन्फॉर्मेशन रहा है कि आपका ऑर्डर जो है वो पिकअप हो चुका है। बस ऐसे ही, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है मीशो में ऑर्डर को प्रोसेस करने का, ईजी प्रोसेस है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो आप देखेंगे तो आपको एकदम ही आसान हो जाएगा ऑर्डर प्रोसेस कैसे करना है वो समझ में एकदम आ जाएगा। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको फर्स्ट टाइम ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो तो आपको इसके बारे में जो कोई भी दिक्कत होगा कि ऑर्डर प्रोसेस टाइम वो ना हो, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से इसका जो प्रोसेस मैंने आपको बताया पूरा आपको क्लियर हो गया है और आसानी से अपना जो ऑर्डर्स है वो आप भी मैनेज कर पाएंगे।
तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे आपको मीशो पे ऑर्डर पर प्रोसेस करना है, कैसे आपको लेबल डाउनलोड करना है और कैसे आपको पूरा कुरियर तक वो प्रोडक्ट को आपको रिक्वेस्ट डालना है। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको पूरा मीशो पे ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करना है उसके ऊपर पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गया है। तो अभी आपको लगता है कि कोई भी जो पॉइंट है वो आपको ज़रूरी है जानना, या कोई भी आपको लग रहा है मिस हो गया है, वो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके ऊपर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिएगा। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपका क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर देने का। या तो फिर आप हमारे चैनल को सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मेरे सामने से मिल जाएगा। और अभी भी आप चैनल में नए हैं तो भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस आप हमारे चैनल की मिस ना करें। और डायरेक्टली आप हमारे मैसेंजर पे मेरे को DM कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस के लिए। तो बस ये वीडियो इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तो के लिए धन्यवाद।